हेलो बच्चों, तो नीट प्लस का एपिसोड नंबर 10 और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लेकर के आए हैं। और वो केस क्या है? वन डायमेंशनल मोशन में से एक स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, एक टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपने कई बार देख रखा होगा, तो उसके मैं आज सारे केस कवर कर लूँगा। और क्या यहाँ पर क्वेश्चन होता है, कई बार आपसे ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि t इक्वल टू जीरो पर बच्चों रेस्ट में था। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल रेस्ट में था। फिर बोला जाता है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, कितने एक्सेलरेशन से, सपोज अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता है। अब आपको पता है जैसे जैसे ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम आएगा स्पीड बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, सपोज v हो गई। अब आपसे बोला जाता है कि ये पार्टिकल अल्फा से एक्सेलरेट होके वी स्पीड कितनी हो गई, वी। फिर ये क्या होता है, रिटार्ड होने लगता है। रिटार्ड होने लगता है इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सपोज रिटार्डेशन कितना है, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर देखो स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली ये पार्टिकल वापस रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ये केस है। अब कई बार आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा कि एक कार है, कार पहले एक्सेलरेट होती है फिर कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिटार्ड होती है। या आपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे कि ट्रेन है, एक स्टेशन से पहले एक्सेलरेट हुई और फिर वापस किसी स्टेशन पर रुकना है तो रिटार्ड हुई, है ना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पहले बॉडी एक्सेलरेट हो देन रिटार्ड हो, है ना, पहले एक्सेलरेट हो देन रिटार्ड हो, एक्सेलरेट हो रिटार्ड हो, सही है। अच्छा, एक बात बताओ, इस मोशन के ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होगी, यहां पर, क्योंकि जब पार्टिकल यहां पहुंचा, देखो यहां से यहां तक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब ये वाला जो जोन है इसमें स्पीड लगातार बढ़ रही है और इस वाले जोन में स्पीड लगातार कम हो रही है। तो स्पीड मैक्सिमम कहां होगी, इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी, उसको मैंने कितना लेट कर लिया, वी एम। ठीक है, अच्छा कुछ बात और, जैसे कि यहां से यहां तक का टाइम, तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन मैं यहां पर लेट कर लेता हूं टी वन है, और टाइम ऑफ रिटार्डेशन में लेट कर लेता हूं T2 है, और टोटल टाइम बच्चों कितना है, टोटल टाइम यहां पर हम T लेट कर लेते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक का टोटल टाइम T लेट कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करता है, S1, जब वो रिटार्ड हो रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, S2, और बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है, S। ठीक है, जैसे मैंने टाइम में बताया ना, T1 टाइम एक्सेलरेट हुआ, T2 टाइम रिटार्ड हुआ, टोटल T टाइम का मोशन हुआ। इसी तरह S1 डिस्टेंस तक एक्सेलरेट होता रहा, S2 डिस्टेंस रिटार्ड हुआ, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, S हो गई। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, Vm, एक्सेलरेशन है अल्फा, रिटार्डेशन है बीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में तुमसे जो कुछ भी पूछ सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम है हम इसमें ड्रॉ करेंगे कौन सा ग्राफ, इधर लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है, और इस एक्सेस पर क्या रखेंगे, टाइम। तो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब आप ये बताओ स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। अब आपको पता है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, है ना, यानी कि लीनियरली इंक्रीज होगी। बात समझ में आती है। और टी वन टाइम में, कितने टाइम में, T1 टाइम में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके कितनी हो गई, Vm हो गई। फिर क्या हुआ, फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी और वेलोसिटी डिक्रीज होके मान लो कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब कितना टाइम लगा, T2। बात समझ में आ रही है। तो पहले जीरो से बढ़ के कितनी हुई, Vm, किस एक्सेलरेशन से बढ़ी है स्पीड, अल्फा के एक्सेलरेशन से, और फिर Vm से डिक्रीज होके कितनी हो गई, जीरो, किस एक्सेलरेशन से रिटार्ड हुई है, कितने से रिटार्ड हो रही है, बीटा से रिटार्ड हो रही है, यानी अल्फा से एक्सेलरेट हो रही है, बीटा से रिटार्ड हो रही है। बात समझ में आती है। तो अब जरा कुछ इक्वेशंस देखते चलना, ठीक है, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो स्पीड जीरो से बढ़कर के Vm हुई, कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो अल्फा होगा, अल्फा क्या होगा भाई, स्पीड Vm हुई है, कितने से बढ़ के, जीरो से बढ़ के, तो स्पीड कितने से इंक्रीज हुई, Vm माइनस जीरो से, कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो अल्फा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों यहां से एक रिलेशन हमें मिला कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो क्या है, अल्फा इनटू T1, लिख सकते हो। अच्छा अब जरा यहां पर आओ, अगर मैं रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं
तो रिटार्डेशन यानी कि बीटा, तो रिटार्डेशन किसकी वजह से आ रहा है, देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी वीएम, फिर कितनी हो गई जीरो, तो वेलोसिटी डिक्रीज कितने से हुई, वीएम माइनस जीरो से डिक्रीज हुई। चेंज नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं वीएम पहले थी अब जीरो हुई तो डिक्रीज कितना हो गई, वीएम कितने टाइम में डिक्रीज हुई, टी टू टाइम में। तो यहां से बच्चों अगर वीएम निकालोगे तो कितना आएगा, बीटा इंटू टी टू। यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी को लिखने के अपने पास दो तरीके, क्या कैसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इंटू टाइम ऑफ रिटार्डेशन। और अगर आप ध्यान से देखो यहां पर तो एक चीज और हम समझ सकते हैं कि भाई वीएम को लिखने के दो तरीके कैसे, या तो आप लिखो अल्फा टी वन और या फिर आप लिखो बीटा टी टू। इसका मतलब ये है कि हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इंटू टाइम ऑफ रिटार्डेशन दोनों इक्वल है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एक्सेलरेशन की वैल्यू रिटार्डेशन से ज्यादा है, मतलब कि एक्सेलरेट ज्यादा से कर रहा है, रिटार्ड धीरे धीरे हो रहा है, जैसे मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड हुआ, तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। भाई ज्यादा एक्सेलरेशन है तो कम टाइम के लिए एक्सेलरेट करो, और रिटार्डेशन कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा उतनी स्पीड डिक्रीज होने में। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है यानी कि एक्सेलरेशन कम है तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सही है। यानी कि सिंपल सी बात है, ज्यादा एक्सेलरेशन तो टाइम कम, एक्सेलरेट होने का टाइम कम, और जहां पर एक्सेलरेशन जैसे रिटार्डेशन, मतलब सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर एक वैल्यू इंक्रीज करोगे तो दूसरी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि जो टोटल टाइम है टी वन प्लस टी टू उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, टी से, यानी कि अगर मैं दोनों का टाइम ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, टी। अब जरा एक बात बताओ, यहां से टी निकालें तो कितना आएगा, वीएम अपॉन अल्फा, कितना आएगा वीएम अपॉन अल्फा, और यहां से टी निकालें तो कितना आएगा वीएम अपॉन बीटा, और ये बच्चों कितना हो गया टी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वीएम कॉमन कर ले, यहां कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और ये कितना हो गया टी। तो देखो वीएम कितना आ रहा अपने पास, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। यानी बच्चों मैक्सिमम स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और नया तरीका, मैक्सिमम स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन प्लस रिटार्डेशन इंटू टोटल टाइम। यानी कि मैक्सिमम स्पीड लिखने के तीन तरीके बन गए आपके पास, कौन कौन से, एक्सेलरेशन इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन इंटू टाइम ऑफ रिटार्डेशन, या फिर अगर आप टोटल टाइम ले रहे हो तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यानी कि बच्चों मैक्सिमम स्पीड हम तीन तरह से लिख सकते हैं और क्वेश्चन इनमें से किसी पर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक तो याद रख रहे हैं, है ना, कि इनमें से कोई भी आप मेथड चूज कर लो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखने का, बात समझ में आती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फंडा क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों आपको पता है अगर मैं वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालूं तो ये जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट एस लिख सकता हूं, कितना होगा एस, पूरा एरिया ले लो, पूरा एरिया कितना होगा बताओ, एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बच्चों इसकी हाइट क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट तो वीएम है ना, इस पूरे ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है, वीएम, और टोटल बेस कितना है, कैपिटल टी। तो यहां पर एस बच्चों क्या लिखोगे, हाफ वीएम इंटू कैपिटल टी। एक तो ये पैटर्न आप याद रखना कि हाफ इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम, ठीक है, एक तो ये याद रखना चाहिए। दूसरा, अगर मैं वीएम की वैल्यू यहां पर पुट कर दो क्या आएगा बताओ, हाफ वीएम कितना है अपने पास, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अब ध्यान से समझना जो बताने जा रहे हैं, ये टाइम जरा इधर लेके आओ तो बताओ एस अपॉन टी कितना आ गया, एस अपॉन टी कितना आ गया, मतलब अगर मैं ये टाइम को नीचे लेके आ जाऊं, ये टाइम नीचे लेके आ जाऊं तो एस अपॉन टी कितना आ गया बताओ, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी क्या था भाई, यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और साथ में टी और लिखा हुआ है यहां पर, भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और टी एक और लिखा है, तो एक टी को मैं नीचे लेके आ जाऊं और ये अपने पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है।
तो देखो इसको लिखने के दो तरीके, पहला आप चाहो तो यहीं से एस अपॉन टी कर दो, एस अपॉन टी कितना मिल जाएगा वीएम बाय टू, ठीक है वीएम बाय टू। अब देखो और दूसरा अगर मैं एस लिखने की कोशिश करूं तो एस क्या है हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दो मेथड मैं बता रहा हूं उसको समझने के, पहला अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड पार्टिकल की क्या है मैक्सिमम स्पीड का हाफ, पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है मैक्सिमम स्पीड का हाफ, ये याद रहेगा। दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एक तरीका और देखो बन गया क्या हाफ और यहां पर कुछ टर्म लिखा है इनटू टी स्क्वायर, ऐसा नहीं लग रहा ये हाफ ए टी स्क्वायर जैसा लिखा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर और ए की जगह क्या है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। शॉर्ट में आप ऐसे याद रख लो एस क्या है हाफ ए टी स्क्वायर और ए क्या है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और एवरेज स्पीड क्या है मैक्सिमम का हाफ, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड लिखने के कितने तरीके, तीन तरीके, ठीक है नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसमें एक बात और समझना, पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लो क्या क्या थे। मैक्सिमम स्पीड बताओ क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड को, अल्फा इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, बीटा इंटू टाइम ऑफ रिटार्डेशन या फिर अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये तो मैक्सिमम स्पीड के मैंने फंडे बताए। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि भाई जो एवरेज स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड का क्या होगी हाफ होगी, ठीक है एक ये। उसके बाद क्या देखा टोटल डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं हाफ मैक्सिमम स्पीड इनटू टोटल टाइम। तीसरा इसी एस को हम क्या लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर और ए की जगह क्या है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कुछ। अब जरा एक बात और समझो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था याद है इस तरह का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये टाइम है टी वन और ये टाइम कितना है टी टू, ये क्या है मैक्सिमम स्पीड। अब जरा ध्यान से समझना, अगर हमसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, केवल ये डिस्टेंस मतलब कि टी वन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, भाई टोटल टाइम कितना है टी, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक तो हो गया टी वन टाइम यानी कितनी देर एक्सेलरेट किया और एक है टी टू टाइम कितनी देर रिटार्ड किया। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं कि जितनी देर उसने एक्सेलरेट किया है उतने में कितनी डिस्टेंस कवर की है। बहुत आसान है फाइंड करना, क्या बताओ तरीका। सबसे पहला काम इसका एरिया ले लो, भाई जितनी देर एक्सेलरेट किया वो यही तो पॉइंट है ना, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया पूरा ले लो तो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बताओ ये डिस्टेंस अगर मैं एस वन लेट कर लूं तो एस वन क्या आएगा हाफ, बेस कितना है टी वन और हाइट कितनी है वी एम, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, वीएम की वैल्यू क्या थी टी वन के टर्म में अल्फा इंटू टी वन, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर, है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मैं एस टू लिखूं मुझे इसका एरिया चाहिए होगा, बताओ इसका एरिया क्या आएगा हाफ, बेस कितना है टी टू, हाइट क्या है वीएम, तो बच्चों इसको अगर मैं ऐसे लिखूं वीएम को मैंने लिखा था बीटा इंटू टी टू, तो ये क्या आ गया हाफ बीटा टी टू स्क्वायर। यानी अब आपके पास देखो एस के भी तीन फॉर्मूले हो गए, क्या हाफ अल्फा, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन तो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर, रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन वाले टाइम का स्क्वायर और अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा तो टोटल टाइम का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को लिखूं तो बताओ टी वन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हाफ अल्फा टी वन स्क्वायर, टी टू टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हाफ बीटा टी टू स्क्वायर और टोटल टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ आती है। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं प्लस ग्राफ, ठीक है जल्दी से आप पहले इनको नोट डाउन कर लो फिर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताता हूं। और अच्छे से बात समझ लो कि जितने मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता, अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया तो बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पहले नोट डाउन करो इसको। अब देखिए यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इसमें बोला गया है कि कार है वो पहले रेस्ट में थी, फिर कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है। अब आपको पता है जब तक ये एक्सेलरेट होगी तब तक इसकी स्पीड बढ़ेगी,
और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, वी एम यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डेशन लगा जिसकी वजह से स्पीड कम होते होते क्या हो गई, जीरो। आगे क्या बोला है, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक मोशन होता है। अब बच्चों ये सारे पार्ट आपसे पूछे गए, ये कह रहा है मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के टाइम का रेशियो क्या होगा, T1 T2 की अलग अलग वैल्यू क्या होगी, और कितनी डिस्टेंस कवर करेगा एक्सेलरेशन में और रिटार्डेशन में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं, बहुत आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गीवन है वो लिख लो अलग से, हमें गीवन है एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बच्चों हमें बोला है टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी टी कितना हो गया 10 सेकेंड। यहां तक समझ में आता है? अब जरा इसके बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट इसने पूछा हमसे कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो मैक्सिमम स्पीड हमने क्या बताई थी, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये लगा सकते हैं, चलो वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 × 3/1 + 3 × 10। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 3/4 × 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट समझ लो। दूसरा क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम स्पीड मिल गई तो क्या मैं एवरेज स्पीड नहीं लिख सकता, एवरेज स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड का हाफ। तो मैक्सिमम स्पीड अपने पास कितनी आई है, 30/4, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 30/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आ जाओ, क्या पूछा इसने, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। देखो मैंने आपको टोटल डिस्टेंस का क्या तरीका बताया था, हाफ ए टी स्क्वायर, और ए कितना होता है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब जरा इसमें वैल्यू पुट करना, हाफ अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 3/4, और टी टोटल टाइम कितना है 10, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, मिल जाएगा इतने मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि वीएम को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, कैसे, एक्सेलरेशन इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इंटू टाइम ऑफ रिटार्डेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम, बोलो लिख सकते हैं। अगर हमसे केवल रेशियो पूछे कि टाइम का रेशियो बताओ, तब तो मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगा कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो बताओ T1 बाय T2 कितना आ जाएगा, बीटा बाय अल्फा, और बीटा अपने पास कितना है 3, अल्फा कितना है 1, यानी कि बच्चों T1 बाय T2 कितना हो गया 3/1, ठीक है। और अगर ये पूछता है हमसे कि T1 T2 की अलग अलग वैल्यू बताओ, ये तो और भी आसान है, कैसे, अब आप देखो फर्स्ट वाले को अगर मैं लास्ट के इक्वल कर दूं तो मैं नहीं निकाल सकता T1, कैसे भाई, अल्फा T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम। देखो अल्फा से अल्फा गया, T1 कितना आ गया, T1 अपने पास आ गया बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीटा कितना बताओ 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, टोटल टाइम कितना है 10, यानी कि कितना आ गया 30/4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा इसी तरह T2 निकालना है, क्या करोगे, तो बीटा T2 किसके इक्वल है बताओ, बीटा T2 किसके इक्वल है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू कितना बच्चों अपने पास ये टी, सही है। तो अब देखो बीटा बीटा कैंसिल, यानी कि बच्चों T2 कितना आ गया, अल्फा अल्फा कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 × 10, यानी कितना हो गया 10/4, और बच्चों अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30/4 + 10/4 = 40/4, यानी कि 10 आ गया। और लास्ट पार्ट जो इसमें दिया है कि अलग अलग कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो बच्चों मुझे पता है एक्सेलरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस होगी, तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। एक तो ये मेथड है, पहले कर लेते हैं इसको पूरा, और ये आ जाएगा हाफ, अल्फा कितना है 1, और बच्चों T1 हमने कितना निकाला है 30/4, इसका स्क्वायर कर देना आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे S2 पूछ रहा है तो हाफ बीटा T2 स्क्वायर, यानी कि हाफ बीटा कितना अपने पास 3, और T2 कितना है 10/4, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आती है, जल्दी से नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर
अब बच्चों देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी पहले रेस्ट में है, फिर हमने उसको एक्सेलरेट किया, मैक्सिमम स्पीड वीएम तक पहुंची, फिर उसको हमने रिटार्ड किया और फिर से वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, क्या क्या गिवन है इसमें? ये कह रहा है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 मीटर। कितना टाइम लगता है इसमें, 1 सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, एवरेज स्पीड क्या हो सकती है और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा एंड अल्फा क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें यह बात पता चल जाए कि टोटल डिस्टेंस ये 1 मीटर कवर कर रहा है और इस टोटल मोशन में जो टाइम लगा वो इसको कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, तो क्या मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता? सबसे पहले मैं वही फाइंड करूंगा। तो पहले तो मैं सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करूंगा कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो लगाऊंगा। अब ये बताओ, टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 1 मीटर। टाइम इसको कितना लगा है, 1 सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैंने बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है और जो मैक्सिमम स्पीड होती है उनके बीच में ये रिलेशन होता है कि मैक्सिमम स्पीड का हाफ कर दो तो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, एवरेज कितनी है, 1 × ये हो गया 2, यानी कि कितना आ गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मुझे एवरेज स्पीड भी मिल गई, मुझे यहां पर मैक्सिमम स्पीड भी मिल गई। ठीक है, अब देखो तीसरा पार्ट, ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। ठीक है, इसके लिए जरा थोड़ा दिमाग लगाना, कंसेप्चुअल पॉइंट है ये। देखो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहला ये कि भाई मुझे ये तो पता है कि मैक्सिमम स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी कर लो, भले अल्फा बीटा ना दिया हो, ये कंफर्म है मैक्सिमम स्पीड कितनी है कि 2 मीटर पर सेकंड। तो करना क्या है, और टोटल टाइम भी कंफर्म है कितना है, 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करना है, तो एवरेज स्पीड बन गई 1 और मैक्सिमम स्पीड आ गई 2। अब तरीका यह कहता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि जितना टाइम एक्सेलरेट हो उतना ही टाइम रिटार्ड हो जाए। क्या मैंने बोला, जितना टाइम एक्सेलरेट हो उतना ही टाइम रिटार्ड हो जाए, यानी कि हाफ सेकेंड एक्सेलरेट हो और हाफ सेकेंड रिटार्ड हो जाए। बात समझ में आई, हाफ सेकेंड एक्सेलरेट हो और हाफ सेकेंड रिटार्ड हो जाए, तो क्या यहां पर जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही रिटार्डेशन यहां भी होगा। तो बताओ अगर मैं ए की वैल्यू यहां से निकालूं, तो मैंने आपको बता रखा ये चीज, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि टाइम ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, हाफ सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ए की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो यहीं से निकाल लो डायरेक्ट, क्या है, मैक्सिमम स्पीड इंटू टाइम ऑफ एक्सेलरेशन t1, है ना। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, हाफ, यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप टोटल टाइम को हाफ ऑफ डिवाइड कर दो कि आधा टाइम आप एक्सेलरेट करोगे बॉडी को और आधा टाइम आप बॉडी को रिटार्ड करोगे, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड करेंगे। अब जरा बात को समझना थोड़ा ध्यान से, इसी पार्ट के अंदर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्या कि मुझे ये तो पता है कि भाई मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं कि जैसे टोटल टाइम 1 सेकेंड है तो मैं क्या करूं, यहां पर कम टाइम के लिए एक्सेलरेट करूं और ज्यादा टाइम के लिए रिटार्ड करूं। समझना मैंने क्या बोला, कि ये जो टाइम हो ये हाफ सेकंड से कम हो t1 और ये जो टाइम हो t2 वो हाफ सेकंड से ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है, मैं अब हाफ ऑफ ना करूं, मैं आधे से कम सेकंड के लिए एक्सेलरेट करूं और 2 तक पहुंचा दूं और फिर आधे से ज्यादा सेकंड ले लूं इसको रिटार्ड होने में। सोचो अगर ऐसा हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम को कम करोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा, भाई कम टाइम में तो उतनी ही स्पीड चाहिए तो एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बच्चों यहां पर अल्फा बीटा की बात की जाए तो अल्फा की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 4 से कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि अगर तुम्हें आधे से कम सेकंड में मैक्सिमम स्पीड उतनी पहुंचानी है तो अल्फा 4 से ज्यादा, यानी कि कम टाइम ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा टाइम कम एक्सेलरेशन। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंचना है लेकिन इस बार मैं
एक्सेलरेट क्या करूंगा, ज्यादा टाइम के लिए करूंगा, रिटायर्ड में कम टाइम के लिए करूंगा। सोचो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए अपने पास तो फिर क्या होगा भाई, अगर टाइम ज्यादा लोगे एक्सेलरेशन में तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, यानी अल्फा 4 से कम हो जाएगा और बीटा 4 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन 4-4 भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा और 4 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बात समझ में आती है। लेकिन मैक्सिमम स्पीड बिल्कुल कंफर्म है, एवरेज स्पीड 1 मीटर पर सेकंड होगी, मैक्सिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी। और रही बात अल्फा बीटा की, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनी कि अगर मैं इक्वल इक्वल टाइम कर दूं, यानी T1 T2 सेम कर दूं, तो अल्फा बीटा दोनों क्या आएंगे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बच्चों T1 की वैल्यू ज्यादा कर दूं T2 से, मतलब कि ज्यादा देर के लिए एक्सेलरेट करूं, तो फिर अल्फा 4 से कम हो जाएगा और बीटा 4 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं कम टाइम के लिए एक्सेलरेट करूं, कम टाइम के लिए एक्सेलरेट करूं, तो कम देर के लिए एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, यानी अल्फा 4 से ज्यादा होगा और बच्चों बीटा क्या होगा, 4 से कम होगा, ठीक है। समझ में आता है पूरा डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये थर्ड वाला, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और आई होप कि पूरा पूरा लेक्चर आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा बच्चों। अब इसके बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।